इंदौर शहर में लॉकडाउन की वजह से थमी हुई ट्रेनें फिर से चलने को तैयार हैं। लंबे समय बाद रेलवे प्रशासन कोरोना इन स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहा है। एक लंबे अरसे के बाद ट्रेनों के चालू होते ही रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की रौनक दिखाई दी। देश में करीब 80 गाड़ियां चलाई जाने वाली है, जिसमें इंदौर जिले की भी 2 ट्रेनें शामिल है। एक इंदौर से दिल्ली इंटरसिटी चलेगी और दूसरी इंदौर से हावड़ा हफ्ते में 3 दिन चलेगी। आपको बता दें कि इन ट्रेनों में जितनी सीटें होगी उतनी ही सवारी बिठाई जाएगी। इंदौर से हावड़ा जाने वाली ट्रेन पूरी तरह से बुक हो चुकी है और 3 दिनों तक की वेटिंग लिस्ट भी आ चुकी है। साथ ही प्रशासन द्वारा यात्रियों को नियमों का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है और कोरोना को लेकर जागरूक भी किया जा रहा है। हर जगह पर चेकिंग की जा रही है। इंदौर ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ दीपक और अभिजीत सिंह की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।